वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज का हमारा 12th डे है प्रोबेबिलिटी का एंड दिस इज द फुल एंड फाइनल डे कि आज हम अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक को खत्म करने वाले हैं और हमने एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से किया है और होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 38 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिस बच्चों ने भी नहीं देखा है प्लीज आप सीड एकेडमी में जाकर पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 39 क्वेश्चन है बेटा कि टू फेयर कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। तो यहाँ पर एटलीस्ट एटमोस्ट मिनिमम लीस्ट मोस्ट मोर देन लेस देन ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो एटलीस्ट आपको पता है कि एटलीस्ट मीन्स कम से कम, मतलब एक टैगलाइन उसने लगा दी है कि इतना तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, एटलीस्ट वन हेड की निकालनी है। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो प्रोबेबिलिटी अगर आप दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें चार पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि आपकी क्या क्या चीजें आ सकती है। या आपको मैंने दूसरा मेथड भी बताया था कि जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके कितने फेसेस होते हैं, जितने फेसेस होते हैं आप वो लिखेंगे और वो कितनी चीज, वही चीज कितनी बार यूज की गई है। मतलब एक कॉइन के टू फेसेस होते हैं तो टू आ गया, और कितने कॉइन यूज किए जा रहे हैं, टू कॉइन यूज किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर टू। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, फोर हो जाता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन हेड की बात की जा रही है तो कम से कम एक हेड चाहिए। तो यहाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। तो तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल है और थ्री बाय आपको पता है कि टोटल आउटकम्स फोर है, तो 3/4 इज द आंसर। उसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन है, एट मोस्ट टू हेड्स, कम से कम क्या होना चाहिए, दो हेड होना चाहिए, एट मोस्ट मैक्सिमम दो हेड्स। ठीक है, मतलब एट मोस्ट आपको बोल दिया उसने, एट मोस्ट टू हेड्स। ठीक है, कि मतलब दो हेड्स तक वो यूज कर सकता है, मतलब एट मोस्ट टू हेड्स मतलब दो हेड्स तक वो यूज कर सकता है। तो उसमें इसने ये नहीं कहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए। अगर टेल भी आप लेते हैं तो इसमें क्या होगा, आपके एटमोस्ट टू हेड्स मतलब टू हेड्स तक, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा एटमोस्ट टू हेड्स तक, मतलब दो हेड्स तक मुझे चाहिए। तो यहाँ पर जो चारों कंडीशंस होंगी वो फुलफिल होंगी, तो 4/4 इज इक्वल टू आपका हो जाता है, यहाँ पर वन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका नो हेड। उसमें क्या है, आपको कोई भी हेड नहीं चाहिए। इसमें कौन सी कंडीशन है कि आपको कोई भी हेड चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है जिसमें दोनों टेल्स है, मतलब ये चीज फुलफिल होती है। तो यहाँ पर 1/4 आपका आंसर हो जाता है। तो 1/4 आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो यहाँ पर होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन, इसमें ही 40 नंबर लेंगे हम लोग। सेम क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस को यूज किया गया है जो हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चन में बोलता है कि जो ए बी सी डी ई ए है, यहाँ पर ज्यादातर आपने देखा होगा कि डाइस में आपका 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन इस बार उसने क्या किया है, चेंज कर दिया है और फेसेस में ए बी सी डी लिख दिया है। तो ए बी सी डी है, ई है, और ई के बाद क्या आ जाता है, वापस ए आ जाता है। ओके, तो ऐसे करके फेसेस बने हुए हैं डाइस के। वो ये बोलता है कि टोटल आउटकम्स आपको दिख रहा है 6 है। उसने बोला है द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी। पहली प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि अगर आपको क्या मिले, ए मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे दो बार जो दो फेसेस है उसमें ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, 2/ आपका 6 हो जाता है, कि पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, 1/3 की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 2 कितनी बार चांस बनता है, 2 बार बनता है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 आ गया, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3 हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डी। तो आप यहाँ पर डी देख रहे हैं कि डी क्या है, सिर्फ एक बार है। तो यहाँ पर 1/ सेम चीज, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 है, तो 1/6 आपका आंसर हो जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन।
आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका है बेटा कि यहाँ पर सेम में आपको थोड़ा सा चेंज करके एक बॉल्स पूछी हुई है कि बॉल्स का क्वेश्चन है जो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग कलर्स की बॉल्स है जो आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर 41 है जिसमें आपकी रेड बॉल्स है, कलर्स है आपके रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है एंड व्हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड आपके पास है, 6 बॉल्स है, 3 आपके पास ब्लैक बॉल्स है और अगेन 6 आपके पास व्हाइट बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज आइदर आर रेड और ब्लैक। ठीक है, क्या बोला है उसने, या तो वो आपकी रेड होनी चाहिए या ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पूछा है आइदर आप ब्लैक और रेड। ठीक है, कि मतलब या तो वो ब्लैक होनी चाहिए या रेड होनी चाहिए, तो मतलब हमें क्या है, दोनों की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों और का मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, मतलब ही इज हैप्पी कि अगर उसको रेड भी मिल जाए, रेड आता है या ब्लैक आता है। तो आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी कितनी होगी, रेड की 6 है और ब्लैक की 3 है, और नीचे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, सेम जितनी पॉसिबिलिटीज हैं जितनी बॉल्स होंगी, तो 6 + 6 + 3 दैट इज कॉल्ड 12 + 3 = 15। तो 9/15 जो होता है वो आंसर है, जिसको आप 3/5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नाइदर रेड नॉर ब्लैक। ठीक है, ना ही वो रेड होनी चाहिए, अब इसी का उल्टा पूछ लिया है, नाइदर रेड नॉर ब्लैक। ठीक है, कि ना ही वो रेड होनी चाहिए ना ही वो ब्लैक होनी चाहिए। तो इसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं कि आप अगर आप निकालना चाहे तो सिंपल सी चीज है बेटा, कि आपको पता है कि टोटल फेवरेबल और अनफेवरेबल केसेस अगर दोनों को मिलाते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले बताया था। तो यहां पर आप कर सकते हैं कि 1 - 3/5 निकाल देते हैं तो आपका बचता है 2/5, जो आपको ये बोलता है कि नाइदर रेड और नॉर ब्लैक, ना ही उसमें से रेड आएगी और ना ही ब्लैक आएगी, तो जो व्हाइट की पॉसिबिलिटी आती है वो 2/5 आती है। ये मैंने कहां से निकाला, ये मैंने आपका यहां से निकाला। ठीक है, और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप वो चीज देखिए जिसमें रेड और ब्लैक नहीं आता हो, अगर उसको रेड और ब्लैक नहीं चाहिए तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट। तो व्हाइट में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि 6 आपके पास है और टोटल आउटकम्स आपके पास 15 है, तो भी आप इसको करते हैं तो भी आपका 2/5 ही आंसर आता है, दैट इज बोथ आर सेम, लेकिन इसमें आपका टाइम बचता है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो भी आपको पहले याद आता है आपको वो मेथड यूज करना है और आंसर सही निकालना है। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 42 हम ऑलरेडी कार्ड्स को बहुत बार खेल चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड्स का प्लेइंग करना और कार्ड्स का आपको पता होना। तो जिसने भी कार्ड्स में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप पीछे की वीडियोस को जाके अच्छे से देख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कार्ड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि 52 के कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 52 है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्पेड निकाला है। ठीक है, उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, स्पेड की होनी चाहिए। आपको पता है स्पेड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है और इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, हर 4 तरह के होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेड, क्लब जो दोनों ही ब्लैक होते हैं, हर्ट और आपका डायमंड जो दोनों ही आपके रेड होते हैं, और हर जो आपका ये स्पेड वगैरह होते हैं उसमें हर में 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 13 13 13, तो टोटल मिला के आपके हो जाते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला है कि उसको स्पेड का ही कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 13 कार्ड्स होते हैं टोटल स्पेड्स के, और टोटल आपकी अगर बात की जाए तो 52 कार्ड्स होते हैं, तो 13/52 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज आपका 13/52। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक स्पेड चाहिए, एक स्पेड को आपको निकालना है। ओके, एक्चुअली
एक्चुअली उसने ये बोला है कि ऑल किंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक्स. एक्चुअली इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसने बोला है कि जो सारे किंग्स हैं, तो एक में चार किंग्स होते हैं बेटा. उसने बोला है जो वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ वन सेकेंड, आई विल बी कम बैक. यस आई एम बैक. एक्चुअली क्वेश्चन इज दैट कि उसमें ये बोला गया है कि सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसने ये बोला है कि जब कार्ड खेलने शुरू किए गए तो उन्होंने क्या किया, उसमें से जो भी किंग्स थे ऑलरेडी पता है कि एक स्पेड का किंग होगा, एक डायमंड का होगा, एक हर्ट का होगा और एक क्लब का होगा. तो उन्होंने क्या किया, वो चारों किंग्स को बाहर निकाल दिया, कहा कि हम लोग इसके साथ गेम नहीं खेलेंगे. तो अब 52 में से बेटा जब वो चार किंग्स बाहर चले गए, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, वो आपके 52 - 4 हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड 48. तो अभी क्या है आपके 48 हो जाते हैं, प्लस जो स्पेड है वो भी आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से भी क्या हुआ, एक किंग क्या चला गया, बाहर चला गया, होगा नहीं होगा, तो एक किंग बाहर चला गया. तो आंसर आपका आता है 12/48, दैट इज कॉल्ड 1/4. ठीक है, ये आपका एक स्पेड की बात की गई है. अब दूसरा बात किया गया है, एक क्वीन निकालना है. आप क्या निकालना है, एक क्वीन निकालनी है. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि कार्ड्स में क्या 52, अगर जो अभी तो 48 है हमारे पास, लेकिन अगर बात की जाए कि कितनी क्वींस होती है, तो 4 क्वींस होती है सबकी, स्पेड क्लब डायमंड और आपकी हर्ट की 4 क्वींस होती है. तो चांसेस क्या बनते हैं बेटा कि 4 क्वीन में से और टोटल आउटकम्स हमारा कितना है, 48 है. तो दैट इज कॉल्ड 1/1/12 आपका आंसर होता है कि अगर एक क्वीन निकाली जाए. उसके बाद दूसरी चीज आती है, अगर वो बोलता है कि आप ब्लैक कार्ड, अब उसने क्या किया है कि एक ब्लैक कार्ड को निकाला है, कि हम उसने कहा कि एक ब्लैक कार्ड निकला है. तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि जो कार्ड्स जो रहते हैं वो 13-13 रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 12+12 रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के किंग्स निकल चुके हैं. तो 12+12/48, तो यहाँ पर हो जाता है 24/48, दैट इज कॉल्ड 1/2. उसके बाद बात करते हैं डी पार्ट की. डी पार्ट आपका बोलता है इसमें कि आउटकम्स आर रेड एस, एस मीन्स इक्का, जिसपे ए लिखा होता है. ठीक है, आर रेड एस, तो यहां पर क्या है, आ रेड एस. ओके, तो यहां पर रेड एस का कितने चांसेस होते हैं, 2 बंच होते हैं. आपको बताया था मैंने कि 2 बंच होते हैं रेड के और 2 बंच होते हैं ब्लैक के, तो 2 एस ही होंगे रेड अगर निकालने हैं तो. तो यहां पर क्या होता है, 2/48, दैट इज कॉल्ड 1/24. होपफुली आपको समझ में आया होगा. जस्ट स्लाइटली कंफ्यूज करने के लिए उसने शुरू में ही क्या किया, 4 कार्ड्स निकाल दिए हैं, जिससे आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, कम हो गया है. तो आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, सबसे पहले रीड केयरफुली कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें. और इस चैप्टर का प्लस आज के सेशन का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3, जो अगेन आपके इसी कार्ड्स पर डिपेंड करता है. और बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 से नंबर का जरूर आएंगे. तो आप रेडी रहिए, बहुत इजी है, आपको फुल मार्क्स जरूर लेने हैं. और जिसने भी मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है. आप मोटिवेट करते हैं तो और अच्छा लगता है. और जल्दी ही मैं आपके साथ अपना नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, जो 10th का होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है. यहां पर कार्ड में से कुछ भी नहीं निकाला गया है, यहां पर सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टोटल ना आउटकम्स जो हमारा 52 है. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नाइदर अन एस नॉर अ किंग. ठीक है, तो यहां पर आपका सबसे पहला जो केस आया है वो आपका नाइदर नॉर का है, नाइदर अन एस नॉर अ किंग, मतलब कि ना तो जो प्रोबेबिलिटी आपको पता है 52 की कार्ड्स की है, उसने क्या बोला है कि ना तो इक्का आना चाहिए और ना ही किंग आना चाहिए. तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक जो होता है, एस जो होते हैं वो 4 होते हैं और किंग भी 4 होते हैं.
तो आपका टोटल कितना हुआ यहाँ पर 52, तो 1 माइनस 52 लिख कर सकते हैं हम लोग, तो दैट इज कॉल्ड, आप यहां से सीधा भी लिख सकते हो कि 52 माइनस 8 अपॉन में 52, दिस इज कॉल्ड, आप अपना माइनस कर दीजिए इसको, ये हो जाता है आपका 44/52, दैट इज कॉल्ड 22/26, दिस इज कॉल्ड 11/13, आपका आंसर क्या आता है 11/13 आ जाता है। ठीक है, दूसरे में पूछता है आर नॉन स्पेड, कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो स्पेड कार्ड ना हो, ठीक है, नॉन स्पेड मतलब स्पेड नहीं होना चाहिए, तो स्पेड आपको ऑलरेडी पता है 13 स्पेड्स होते हैं, तो आप सीधा कर सकते हो कि 52 माइनस 13 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड 52, तो यहां पर आपका आ जाता है आपका 39/52, ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन क्या आ जाता है 39/52। इसके बाद सी पार्ट में पूछा गया है अ किंग ऑफ ब्लैक सूट, उसको तीसरे पॉइंट में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए अ किंग ऑफ ब्लैक सूट, सिर्फ ब्लैक सूट का ही किंग चाहिए, ठीक है, तो ब्लैक सूट के किंग की बात करते हैं तो सिर्फ दो ऐसे किंग होते हैं जो ब्लैक होते हैं, दो रेड होते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी है, यहां पर आप लिखेंगे 2/52, दैट इज कॉल्ड की पॉसिबिलिटी होगी कि जो आपने किंग लिया है वो ब्लैक सूट का हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किंग ऑफ रेड सूट, सिंपल सी चीज है, आपकी सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी क्योंकि जितने किंग आपके ब्लैक सूट के होते हैं उतने ही किंग आपके रेड सूट के होते हैं, और टोटल मिला के कितने होते हैं आपके 4 होते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इनको चाहे तो काट के भी लिख सकते हैं, यहां पर आप इसको 1/26 भी कर सकते हैं, या यहां पर भी छोड़ेंगे तो भी आंसर चलेगा। तो होपफुली आपने इंजॉय किया होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एंड प्री बोर्ड्स, थैंक यू, बाय बाय।